हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपको ये झालर वाला और जाली वाला ये टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आप इसको टेबल मैट भी बना सकते हो, पूजा का आसन भी बना सकते हो, थालबों से बना सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप वो ही इसको बना के यूज कर सकते हो। ये आप देखिए, मैंने इसको दो कलर से बनाया है। ये देखिए, ये अंदर जाली है और ये बाहर हमारी ये झालर है। आप इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हो और सिंगल कलर में भी आप इसको बना सकते हो। ये मैंने 30 फंदे से बनाया है। ये देखिए, 30 फंदे से काफी बड़ा बना हुआ है। अगर आपको पूजा का आसन बनाना है तो आप 40 फंदे का बना लीजिए, तो ये और भी बड़ा बन जाएगा। तो देखिए, डिजाइन को समझने के लिए प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखिए, तभी ये आपकी समझ में आएगा। ये देखिए, इसमें फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल सिंपल फंदे डाले हैं। ये ऊन मैंने डबल कर रखी है क्योंकि मेरे पास ये पुरानी ऊन थी, और सिंगल धागे से मैंने इसमें फंदे डाले हैं और डबल नीडल में मैंने इसमें फंदे डाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, क्योंकि डिजाइन हमारा फर्स्ट रो से ही हमारा डिजाइन स्टार्ट हो जाएगा तो वो आसानी से इसमें डल जाएगा। एक नीडल को अब हम इसमें से ऐसे करके निकाल देंगे, और अगर आप डबल में नहीं डालो तो थोड़े से आप इनको लूज डालिएगा। तो देखिए, फर्स्ट रो से ही हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा। ये देखिए, फर्स्ट फंदा हम बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ध्यान से देखिए, और इस फंदे पे हम जाली डाल लेंगे। यहां पे हमारी जाली डल गई, जाली से बीच में एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब देखिए, यहाँ पे हम दो फंदे का एक करेंगे, लेकिन हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। एक फंदा हमारा जाली से बढ़ेगा और एक हमारा दो से एक हम करेंगे, तो हमारे फंदे दो ही रहेंगे। तो देखिए, ये धागा आगे किया मैंने अपनी तरफ, ये दो फंदे का एक कर दिया। फिर आगे करेंगे, फिर से हम दो फंदे का एक करेंगे। ये पूरी रो हमने ऐसे ही बनानी है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, धागा आगे करेंगे और दो फंदे का एक कर देंगे। ये देखिए, जितने भी आपने फंदे डाल रखे हैं, सारे ही फंदे आपने ऐसे ही बनाने हैं। देखिए, फिर से दो का एक किया और जोड़े से आप इसमें फंदे डालना फ्रेंड्स। ये देखिए, फिर से हम दो का एक करेंगे। ये देखिए, और ये लास्ट के दो फंदे हम ऐसे ही छोड़ देंगे बिना बने, और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। इस रो को हम जाली वाला भी और ये भी हम उल्टा उल्टा इसको ऐसे बनाएंगे। ये देखिए, तो मैं इसको यहां तक बना लेती हूं। देखिए, यहां तक बना लिया है। ये लास्ट वाला हम धागा पीछे करके किनारे के फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे। अब देखिए, इसको हम ऐसे ही उतारेंगे। ध्यान से देखिए, ये हमारा बड़ा हुआ फंदा है, इसको हम उल्टा बना लेंगे, और ये जो है पिछली बार हमने बढ़ाया था, इसी पे हमने हर बार जाली से फंदा बढ़ाना है। ये देखिए, ये हमारा, ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स,
ये बिल्कुल, ये इसी पे हमने यहां से स्टार्टिंग से लेके इसी पे हमने जाली डाल ली है, और बड़े हुए फंदे हमारे झालर की तरफ बढ़ते रहेंगे। देखिए यहां पे हमने फंदा बढ़ा लिया। अब हम एक ही बार जाली डालेंगे, इस रो को हम ऐसे उल्टा ही बनाएंगे। बहुत ही सिंपल है ये। सारे ये फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे और लास्ट के दो फंदे छोड़ देंगे। दो दो फंदे हम छोड़ते हुए आएंगे। डबल ऊन कर रखी है मैंने। अगर आपके पास मोटी ऊन है तो आप सिंगल ही ले लीजिए। ये देखिए, दो पिछली बार छोड़े थे, दो हम इस बार छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। इस रो को मैं ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के यहां तक कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, लास्ट वाले को हम ऐसे सीधा बना देंगे। इसको फ्रेंड्स सीधा बनाने से ये देखिए हमारे किनारे की बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन अब आपको दिखने लगेगी झालर। इसको ऐसे ही उतारेंगे। ये देखिए, ये हमारा बड़ा हुआ फंदा, इसको भी उल्टा बना लेंगे, इसको भी उल्टा बना लेंगे। ये बीच में दो फंदे हमारे बढ़ गए, ये देखिए ये दिखाई देने लग गया वे सीधा फंदा। इसी पे हमने हर बार ऐसे ही जाली डालनी है। धागा आगे करके एक दो रो हम ये और ऐसे ही सिंपल उतारेंगे। ये देखिए उल्टे उल्टे बना लूंगी और मैं पीछे ये दो फंदे छोड़ दूंगी। फिर इस साइड से भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी, उतारूंगी और फिर अगली रो में फिर से मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं ये दो रो उतार लेती हूँ, आप भी बना लीजिए। ये देखिए, ये बीच में हमने जाल पहले जाले बनाई, फिर उसके बाद हमने ये चार रो उतारी हैं। आप देखिए फर्स्ट वाला ऐसे ही उतारेंगे। ये हमारा बड़ा हुआ फंदा है, एक दो तीन, तीन हमारे फंदे बढ़ गए। ये देखिए इसी पे हमने फिर से धागा हमारा अपनी तरफ है, इसी पे हमने जाली बनानी है। एक फंदा और हमारा, हर रो में एक फंदा बढ़ेगा। अब हमने ये चार रो उतारने के बाद फिर से हमने जाली बनानी है। तो धागा अपनी तरफ किया, फिर से जैसे हमने स्टार्टिंग की थी दो फंदों का एक करेंगे। एक फंदा हमारा जाली से बढ़ गया और एक फंदा हमारा ये जो दो का एक किया है ये बढ़ गया, तो वापस हमारे दो फंदे ही बन गए। ये देखिए, अगर आपको टाइट लगे तो आप ऐसे लूज कर लीजिए। ये सारे जितने भी आपके पास फंदे हों आपने ऐसे ही दो का एक करना है। धागे को आगे करके एक जाली से बढ़ जाएगा और एक जब हम दो का एक करेंगे जब बढ़ जाएगा। बिगनर्स भी इसको फ्रेंड्स आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है इसको बनाना। ये देखिए, धागा आगे करेंगे। ये देखिए, ये पहले हमने छोड़े, यहां तक हमने फंदे छोड़ दिए हैं, यहां तक हम बनाएंगे, ये दो फंदे हम और छोड़ देंगे। ये देखिए, दो फंदे हमने ये और छोड़ दिए और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। इस रो को मैं
ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स पीछे हमने दो दो फंदे करके सारे ही फंदे ऊपर तक छोड़ने हैं और ये ही डिजाइन हमने रिपीट करना है। एक बार हम जाली डाल लेंगे और एक बार हम बीच में चार रो उल्टी उल्टी उतारेंगे, सीधी तरफ से भी उल्टा और उल्टी तरफ से भी उल्टा, और झालर के फंदे हम कंटिन्यू ऐसे ही बढ़ाएंगे। एक बार मैं आपको सीधी तरफ से इसको दिखाऊंगी, फिर मैं इसको पूरा करके दिखाऊंगी। ये देखिए लास्ट वाले को आप हमेशा ऐसे ही बनाना। ये देखिए अब फिर से फ्रेंड्स मैं यहाँ पे फंदा एक बढ़ाऊंगी, यहां तक मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं इसमें चार रो उल्टे उल्टे उतारूंगी। ये देखिए ये हमने हमारे बड़े हुए फंदे हैं, इसको हमने पिछली बार जो बढ़ा था इसको भी हमने उल्टा बनाना है और यहाँ पे फिर से हमने एक फंदा अपना बढ़ाना है। अब धागा आगे करके और जाली हमने डाल ली, अब हम ये उल्टे उल्टी जैसे हमने नीचे बनाई है ऐसे ही रो हम यहाँ तक बनाएंगे और ये दो फंदे इस बार छोड़ देंगे। तो छोड़ते हुए फंदे फ्रेंड्स हम यहाँ तक आ जाएंगे, एक बार चार रो बनाएंगे और एक बार जाली बनाएंगे, ये जैसे मैंने बना रखी है। तो मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, यहाँ तक आ जाऊंगी मैं छोड़ते हुए और इस साइड में ऐसे ही फंदे बढ़ाती रहूंगी, झालर हमारी बड़ी बन जाएगी, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का दिखाऊंगी। ये देखिए एक बार हमारी कली बनके कंप्लीट हो गई, सारे ही फंदे आप देख सकते हो मैंने यहाँ तक फंदे, ये देखिए यहाँ पे हम फंदा अपना बढ़ाते हैं, यहाँ तक फंदे दो दो करके मैंने सारे ही फंदे छोड़ दिए हैं। कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन नजर आएगा और ये हमारे फंदे इधर बढ़ गए। तो अब हमें क्या करना है, इनका ध्यान से देखिए, दो का एक करेंगे, आगे के फंदे हम बढ़े हुए सारे ही वाइंड अप कर देंगे। ये देखिए दो का एक किया, फिर से वापस निडल में डाला, फिर से दो का एक किया, दो फंदे फ्रेंड्स हमने रखने हैं, एक हमारा किनारे का फंदा था और एक पे हम फंदा बढ़ाएंगे। और जितने भी आपके पास फंदे हो आप सारे ही फंदे ऐसे बंद कर दीजिए। ये देखिए ये पिछली बार का बड़ा हुआ था, इसको भी हम घटा देंगे। ये देखिए दो फंदे हमारे पास बच गए, इस पे हम फंदा आगे भी बढ़ाएंगे और एक ये हमारा किनारे वाला जो हमने यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग में लिया था। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, इसको हम सीधा ही बनाएंगे। ये दो फंदे हमारे हो गए और ये जो आगे के फंदे दो दो करके हमने छोड़ रखे हैं इनको हम ऐसे ही बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके। ये देखिए ये सारे फंदे हम बना लेंगे, धागा आगे करेंगे और दो का एक कर देंगे। ये जाली थोड़ी सी आपकी बड़ी बनेगी लेकिन ये खुला खुला डिजाइन है, इसमें ये नजर नहीं आएगी, लेकिन इस पे हमने जाली ही डालनी है। ये देखिए सारे ये फंदे हम ऐसे बना लेंगे। एंड तक देखिए जितने हमने फंदे डाले थे फ्रेंड्स 30 के 30 फंदे हैं हमारे पास,
जो भी हमने फंदे बढ़ाए थे वो हमने सारे ही घटा दिए हैं। ये देखिए, धागा अपने तरफ करेंगे। ये सबसे स्टार्टिंग में छोड़े थे फ्रेंड्स, ये थोड़े से टाइट हैं, आप इनको ऐसे आगे से निडल डाल के लूज कर लीजिए। ये देखिए, इस पे भी हम जाली से दो का एक कर देंगे। ये देखिए, और अगर फ्रेंड्स आपको ये एक कलर सिंगल कलर से बनाना है तो आप इसी धागे को कंटिन्यू आप ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाते हुए जाइए और फिर से आप स्टार्टिंग कर दीजिए दोबारा। और मैं इसमें आपको सेकंड कलर लगाना बताऊंगी तो वो हम यहीं से लगाएंगे। देखिए, इसके बाद में हम नोट लगा लेंगे। ये देखिए, ये सारे हम ऐसे इस रो को उल्टी उल्टी बनाएंगे। ध्यान से देखिए, दूसरा कलर हमने इसमें अपना ऐड कर लिया है। एक कली हमारी कंप्लीट हो गई। दूसरी कली की मैं आपको स्टार्टिंग करके देऊंगी ताकि आपको कोई भी इसमें डाउट ना रहे, आसानी से आप बना लो। ये देखिए, इस बार हम इसको ऐसे ही उल्टा बनाएं क्योंकि इस बार हमने इसमें कलर ऐड किया है। ये देखिए, सेकंड कलर हमने इसमें लगा लिया। इस बार हम इसको ऐसे उतारेंगे, धागा अपने तरफ लेके आएंगे और यहाँ पे फिर से हम जाली से एक फंदा बढ़ा लेंगे। ये बढ़ा लिया जैसे हमने बिल्कुल नीचे स्टार्टिंग की थी। अगली बार हम इसको उल्टा बनाएंगे और यहाँ पे फिर से फंदा बढ़ा लेंगे। तो अब हमने इसमें फर्स्ट रो में जाली डाली थी तो इस रो को हम उल्टा बनाएंगे। जब भी आप इसमें कलर चेंज करो तो ये रो आपकी उल्टी उल्टी बनेगी। जैसे बीच में हमने चार रो उल्टी उल्टी बनाई है, ये ऐसी ही बनेगी। और लास्ट में दो फंदे हम छोड़ देंगे। ये देखिए, और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस रो को मैं उतार लेती हूं, एक बार फिर मैं आपको यहां से दिखाऊंगी। ये देखिए, ये रो उतार ली है। इस बार हम इसको सीधा बनाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड्स ध्यान रखने की। देखिए, किनारे वाला हम सीधा बनाएंगे तो ये एक हमारी यहाँ पे एक चैन सी बनेगी। ये बहुत ही सुंदर लगेगी जब आपका पूरा डोरमेट कंप्लीट होगा। एक आप इसी पे आपने फंदा बढ़ाना है एंड तक, इस वाले पे। ये देखिए, और एक बार फिर से आप देखिए, थोड़ी सी झालर देख लीजिए, इसको ऐसे ही उतारेंगे। ये पिछली बार हमने बढ़ाया था, इसको हम उल्टा बना लेंगे और इस पे ही हम अपना फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए, अब धागा आगे करके ये जो हमने चार रो बनानी है ये हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने नीचे बना रखी है। अगली रो में फिर हम अपनी जाली डालेंगे और दो दो फंदे हम पीछे ऐसे ही छोड़ते हुए आएंगे। जब आपकी ये पूरी कली बन जाएगी तो जैसे हमने यहाँ पे वाइंड अप किए हैं ऐसे ही आप फंदे, इस कलर के सारे फंदे वाइंड अप कर देना। दो फंदे आप रख लीजिए, एक ये वाला और एक किनारे वाला। और फिर से आप ऐसे जब फ्रेंड्स कंटिन्यू बनाओगे तो देखिए ये सुंदर सा ये आपका कुछ इस तरह से डिजाइन बनके कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना और आपको ये डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे नए नए डिजाइन का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ। थैंक यू।